हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। हम लोगों ने सॉलिड मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया था। आज फर्स्ट यूनिट का नया टॉपिक है बार ऑफ वायरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें क्या होता है, तीन बार होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस के बार होते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ये तीनों डिफरेंट सेक्शंस के बाहर हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पी स्ट्रेस लगाते हैं। पी स्ट्रेस लगाते इसमें देखते हैं कि टोटल चेंज इन लेंथ क्या होता है, मतलब कितना चेंज होता है लेंथ में स्ट्रेस लगाने पर। हमको इसमें यही देखना है। ठीक, तो आगे चलते हैं। पहला क्या, पहला सेक्शन ये वन, इसमें जो इसका जो लेंथ है L1 ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 लेते हैं। क्रॉस सेक्शन टू ये है, इसमें होता है क्रॉस सेक्शन एरिया A2 ले लेते हैं और लेंथ L2 ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शन थर्ड है ये, इसका एरिया A3 ले लेते हैं और लेंथ L3 ले लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये L1 एंड A1 लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन वन। ठीक, फिर देखते हैं L2 एंड A2 लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टू, सेक्शन टू का है। L3 एंड A3 लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन थ्री। फिर आता है ई जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे, तीनों क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन वन के लिए सिग्मा वन, लोड सेम है सबके लिए, एरिया क्रॉस सेक्शन वन के लिए A1 ले लेंगे। ठीक, इसी प्रकार सिग्मा टू फर्स्ट क्रॉस सेक्शन सेकंड के लिए है, लोड तो सेम ही है, बस एरिया चेंज हो गया है, तो हम लोग A2 ले लेंगे यहाँ पे। अब तीसरा के लिए सिग्मा थ्री इज इक्वल टू P/A3 हो गया। इसमें देखिए एरिया जो है बस बदल रहा है, इसमें लोड तो सेम है, पी हम लोग लगा रहे हैं, बस हमारा एरिया चेंज हो जा रहा है, एरिया और लेंथ चेंज है क्रॉस सेक्शन का। ठीक, तो अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप में निकालेंगे हम लोग चेंज इन लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन वन निकालेंगे, ऑफ क्रॉस सेक्शन वन, क्रॉस सेक्शन वन का चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ, तो Δl अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो L हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। ठीक, फॉर क्रॉस सेक्शन वन है तो Δ1 ले लेते हैं, यहाँ पे L1 ले लेते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, स्ट्रेन को हम लोग चेंज कर देंगे, इस स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं सिग्मा वन अपॉन ई इज इक्वल टू Δ1 अपॉन L1। ये आया कैसे देख लीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो हम लोग इसको स्ट्रेन को इधर ले जाते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ई। तो यहीं पे यही किया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है, एप्सिलॉन को चेंज करके हम लोग सिग्मा वन अपॉन ई के रूप में लिख लिए हैं। फिर आगे क्या करेंगे, सिग्मा वन को हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे देखिए सिग्मा वन को हम लोग चेंज कर देंगे, ये क्रॉस सेक्शन वन के लिए निकाल रहे हैं, सिग्मा वन को हम लिख सकते हैं P/A1। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सिग्मा वन को P/A1E हो जाएगा, फिर हो जाएगा Δ1 L1।
यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा वन की वैल्यू, डेल्टा वन डेल्टा एल वन की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एल वन इज इक्वल टू हो जाएगा पी एल वन अपॉन ए वन ई हो जाएगा। ये हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन वन के लिए था। तो सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड के लिए, डेल्टा एल टू निकाल लेंगे। इसी प्रकार निकाल लेंगे जैसे ये निकाले हम लोग, डेल्टा एल टू को हम लिख सकते हैं पी, पी तो सेम है, लेंथ चेंज हो गया एल टू अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज है ए टू हो जाएगा, यंग मॉडल सेम है। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड के लिए था ये। और थर्ड के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल थ्री इज इक्वल टू पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई। तो सिमिलरली ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग टोटल चेंज इन लेंथ निकालेंगे, जो थर्ड स्टेप होगा टोटल चेंज इन लेंथ। तो टोटल चेंज इन लेंथ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हमको निकालना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एल वन फॉर क्रॉस सेक्शन वन के लिए निकाले हम लोग, फिर डेल्टा एल टू फॉर क्रॉस सेक्शन सेकेंड के लिए निकाले थे, और डेल्टा एल थ्री फॉर क्रॉस सेक्शन थर्ड के लिए निकाले थे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डेल्टा एल वन की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा एल वन इज इक्वल टू पी एल वन अपॉन ए वन ई। ठीक, तो लिख लेंगे पी एल वन अपॉन ए वन ई। तो एल डेल्टा एल टू की वैल्यू देख लीजिए, डेल्टा एल टू की वैल्यू निकाले था पी एल टू अपॉन ए टू ई हो जाएगा, पी एल टू अपॉन ए टू ई प्लस थर्ड वैल्यू थी पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई, पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई। अब आगे क्या करेंगे, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसमें पी और ई हम लोग कॉमन ले लेंगे, पी अपॉन ई, पी अपॉन ई को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा एल वन अपॉन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू प्लस एल थ्री अपॉन अपॉन ए थ्री हो गया। ठीक, ये हो गया टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। अगर क्या हो कि इफ वैल्यू ऑफ ई डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन अगर वैल्यू ऑफ ई जो अलग सेक्शन के लिए अलग हो, जैसे तीन सेक्शन था, अगर वैल्यू सेम ना हो तब कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी अपॉन ई, ई को हम क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, पी को हम अंदर ले जाएंगे, एल वन अपॉन ई वन ए वन प्लस एल टू अपॉन ई टू ए टू हो जाएगा, एल थ्री अपॉन ई थ्री ए थ्री। ठीक, ऐसे निकालें हम लोग अगर वैल्यू ऑफ ई डिफरेंट होगा डिफरेंट सेक्शन के लिए
तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर सेम रहेगा तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे चेंज इन लेंथ। ये टोटल चेंज इन लेंथ है बार में डिफरेंस सेक्शन के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।